दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मिक्स क्वेश्चन है और ये मिक्स प्रश्नों की सीरीज संख्या 34 है। अब तक मिक्स प्रश्नों की कुल 33 सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं। प्रत्येक सीरीज में कुल 25 प्रश्न होते हैं, यानी अब तक हम 825 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। आज की अपने इस सीरीज में प्रश्न संख्या 826 से लेकर 850 तक होंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड जरूर करें, और अगर आपने अभी तक उन लास्ट सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सभी 33 सीरीज के आप उन 825 प्रश्न को भी जरूर देखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन संख्या 826 है कि स्टार्टर में प्रयुक्त तार होता है। देखो स्टार्टर में वायर पूछ रहा है तो ध्यान रखें ये डीसी के स्टार्टर होते हैं जिनमें हम आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टर लगाते हैं और वो वायर बाउंड रेजिस्टर ही एक तरह से होता है, और उसमें जो रेजिस्टेंस के लिए वायर यूज की जाती है वो यूरेका की तार होती है। वायर बाउंड रेजिस्टर अपन उसको एक तरह से बोल सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक आरएल सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस 50 ओम और रिएक्टेंस 40 ओम है तो इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा। दोस्तों सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस जेड ज्ञात करने के लिए आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल की स्क्वेयर होता है और इसका अंडर रूट लगाया जाता है। हमें इस बार इम्पीडेंस और रिएक्टेंस दे रखा है जबकि अपन से रेजिस्टेंस पूछा गया है। दोस्तों रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। देखो जेड का मान 50 है, 50 की स्क्वेयर करेंगे ये आएगा 2500। एक्स 40 है, 40 की स्क्वेयर करेंगे ये हो जाएगा 1600। दोनों में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 900, और 900 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 30 ओम। अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 30 ओम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नो लोड पर प्रचालित एक संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग यदि अचानक ओपन हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों संट मोटर के बारे में तीन क्वेश्चन बनते हैं, आप तीनों क्वेश्चन को याद रखें। सबसे पहला तो ये है कि अगर मोटर नो लोड पर हो और चल रही हो, देखो प्रचालित का मतलब है रनिंग यानी मोटर चल रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में यदि फील्ड फ्लक्स अचानक ओपन हो जाता है फील्ड वाइंडिंग तो संट फील्ड फ्लक्स का मान जीरो हो गया। दोस्तों हम सब जानते हैं कि डीसी मशीनों की जो स्पीड होती है वो फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। जब फ्लक्स का मान जीरो हुआ तो स्पीड अनंत हो गई, यानी मोटर तीव्र स्पीड से चलेगी और आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, आर्मेचर हो सकता है कि निकल कर बाहर आ जाए। यदि मोटर पूर्ण भार पर प्रचालित होती, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, यानी मोटर पर अगर लोड था तो फिर फ्लक्स जीरो होने से टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि डीसी मोटर में टॉर्क फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। यानी फ्लक्स जीरो हुआ तो टॉर्क भी जीरो हो गया, इसलिए मोटर रुक जाएगी। यानी अगर बाहर पर होती तो अपने आंसर रहता ए। उसके बाद में कि फील्ड वाइंडिंग ओपन थी और मोटर स्टार्ट नहीं थी, यदि हम इस समय मोटर की सप्लाई ऑन कर देते हैं तो क्या होगा। तो फिर मोटर स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि चलने के लिए फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स बनेगा नहीं। यानी स्टार्टिंग में ही मोटर बंद अवस्था में थी और उस समय फील्ड वाइंडिंग ओपन थी तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में फेज की संख्या अधिक होने पर भी कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। दोस्तों अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर दो प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं घूमने वाले भाग के आधार पर। फील्ड रोटेटिंग का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन कर रहा है। हम सब जानते हैं फील्ड को एक्साइट करने के लिए डीसी दी जाती है, डीसी देने के लिए हम दो स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अब इस तरह के अल्टरनेटर में चालक कांस्टेंट है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को चालक वाइंडिंग से सीधे स्टार या डेल्टा में संयोजित करके हम
बाहरी सिरे पर प्राप्त कर लेंगे। इसलिए फेज की संख्या कितनी है इसके लिए स्लिप रिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिपथ में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत और इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य होगा। देखो एक्स सी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है और एक्स एल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। यदि फ्रीक्वेंसी का मान जीरो होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस अनंत हो जाएगा। यानी जीरो फ्रीक्वेंसी वाले में ऐसा सिस्टम होगा और जीरो फ्रीक्वेंसी किस में होती है डीसी परिपथ में। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। रेजोनेंस परिपथ में एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है शक्ति मापने की दो वाटमीटर विधि में एक वाटमीटर की रीडिंग 1.2 किलोवाट जबकि दूसरे वाटमीटर की रीडिंग -0.4 किलोवाट है, परिपथ का टोटल कंजप्शन कितना होगा। दोस्तों कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है P1 प्लस P2, तो P2 माइनस वाली रीडिंग होती है। देखो 1200 वाट है और -400 वाट है तो आंसर कितना हो जाएगा 800 वाट। यानी वास्तविक कंजप्शन या टोटल रीडिंग कितनी है 800 वाट है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में चालक साइज अधिक होगा। यानी मोटे तार किस में लगेंगे, मोटे तार उसमें लगेंगे जिसमें टर्न कम हो, कम टर्न उसमें होते हैं जिसमें वोल्ट भी कम हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान टर्न की संख्या पर ही निर्भर करता है। और कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग को हम लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर द्वारा मुख्य रूप से किसकी तुलना की जाती है। हिंदी में इसको विभव मापी बोलते हैं और ये किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध नापने के काम आता है। यानी प्रतिरोध की तुलना करने के लिए अपन इसको उपयोग में लेते हैं, पोटेंशियोमीटर नाम से विधि आती है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 50 माइक्रो एम्पियर वोल्ट मीटर की प्रति ओम वोल्ट में सुग्राहिता कितनी होगी, सॉरी ओम प्रति वोल्ट में सुग्राहिता कितनी होगी। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये सीखने को मिला कि वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किसमें होती है, तो ओम प्रति वोल्ट या किलो ओम प्रति वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, इकाई भी पेपर में पूछी जा सकती है। अब बात करेंगे यहाँ कि 50 माइक्रो एम्पियर का मतलब ये होता है कि वोल्ट मीटर में से 50 माइक्रो एम्पियर धारा चलती है। ध्यान रखें ये जो करंट फ्लो होती है ये हमेशा प्रति वोल्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हमें मापी का रेजिस्टेंस निकालना है, R बराबर V अपॉन I होगा। वोल्टेज होता है 1 वोल्ट, धारा देखो 50 माइक्रो एम्पियर चल रहा है यानी 50 × 10⁻⁶। जब इस -6 को आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाकर प्लस का 6 होगा। प्लस के 6 का मतलब है कि यहाँ आपके 3 जीरो। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपना उत्तर आएगा 20,000 ओम, यानी ए हो जाएगा 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। मापी की सुग्राहिता कितनी रहेगी, क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का व्यास न्यूनतम है। दोस्तों SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और स्टैंडर्ड वायर गेज में तार का नंबर जितना छोटा होता है साइज उसका उतना ही मोटा होता है। व्यास न्यूनतम का मतलब है कि जो पतला चालक होगा उसी का व्यास न्यूनतम होगा, और पतला वो होगा जिसका गेज नंबर अधिक हो। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यदि लोड करंट का मान 10 एम्पियर और शंट फील्ड धारा का मान 4 एम्पियर हो तो आर्मेचर धारा का मान कितना होगा, जब मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रही हो, जब मशीन जनरेटर के रूप में कार्य कर रही हो। देखो आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए शंट जनरेटर में लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट होता है जबकि मोटर में लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट होता है। देखो जब मोटर के रूप में काम कर रही होगी तब तो लोड करंट 10 है, उसमें से 4 वो घटा दी जाएगी यानी 6 एम्पियर हो जाएगा। जनरेटर के रूप में काम कर रही हो तब जोड़ दिया जाएगा यानी 10 प्लस 4
यानी 14 एम्पियर। अपने क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, मोटर के रूप में 6 एम्पियर, जनरेटर के रूप में 14 एम्पियर करंट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग किस धातु के बने होते हैं, तो स्लिप रिंग फास्फर ब्रोंज के बनते हैं, क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। और कम्यूटेटर के बारे में, अगर स्प्लिट रिंग के बारे में हो तो वो हार्ड्रोन कॉपर के बारे में होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन के कम्यूटेटर और उनके बीच प्रयुक्त अचालक पदार्थ अभ्रक में क्या संबंध पाया जाता है। देखो, हम कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में अचालक पदार्थ अभ्रक भरते हैं ताकि कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में शॉर्ट ना हो, यानी हमारा उद्देश्य ये होता है कि चाहे कम्यूटेटर की सरफेस घिस जाए लेकिन माइक का नहीं घिसना चाहिए। इसका मतलब कम्यूटेटर की अपेक्षा माइक का जो है वो अधिक हार्ड यानी अधिक टफ होती है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि SF6 सर्किट ब्रेकर में आर्क का समन कौन करता है, पूरा नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, और इस सर्किट ब्रेकर में गैस होती है जो आर्क का समन करने का माध्यम होती है। ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर में एयर होती है, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल, VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम यानी निर्वात आर्क समन का कार्य करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपयोग शाफ्ट के चारों ओर एयर गैप नापने हेतु किया जाता है। जब मोटर जनरेटर सेट की अलाइनमेंट करनी हो तो उससे पहले शाफ्ट के चारों ओर एयर गैप का मापन किया जाता है और इसके लिए फिलर गेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। स्क्रू पिच गेज का उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट का लेवल देखने के काम आता है, ये शाफ्ट के चारों ओर एयर गैप नहीं बताएगा। इसी तरह से स्प्लिट लेवल का भी उपयोग कर सकते हैं। सेंटर पंच, तो ये तो 90 डिग्री पर जब हमें पंच मार्क करना हो, किसी सरफेस पर मार्किंग करनी हो, इसके लिए हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। देखो, पीतल है, तांबे जस्ते की मिश्र धातु है, कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, यूरेका कॉपर और निकल की है, जबकि पारा कोई मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब थ्री फेज मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर गतिमान है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। जब NS और NR बराबर हो जाता है तो स्लिप का मान जीरो होता है और रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। जब स्लिप जीरो है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान भी कितना होगा, जीरो। अपने इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 240 वोल्ट डीसी मोटर, डीसी पर प्रचालित एक मोटर में बैक ईएमएफ 220 वोल्ट है, यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम हो तो आर्मेचर धारा का मान कितना होगा। देखो, डीसी मोटर में आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि वी माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस। वोल्टेज 240 वोल्ट, बैक ईएमएफ 220 वोल्ट, 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, यानी 20 बटे 0.5 करेंगे, उत्तर आएगा 40 एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चार ड्राई सेल है और समांतर में कनेक्टेड है तो इनकी टोटल वोल्टेज कितनी होगी। देखो, सेल अगर समांतर में कनेक्टेड है तो उनकी संख्या कितनी है ये कभी कोई मायने नहीं रखता है। चाहे कितने भी सेल समांतर में कनेक्टेड हो, अगर कनेक्शन उनके पैरेलल है तो सेल की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब हमें ये देखना है कि एक ड्राई सेल की वोल्टेज कितनी होती है। याद रखें, पैरेलल में कनेक्टेड सभी सेलों की टोटल वोल्टेज एक सेल की वोल्टेज रेटिंग के बराबर होती है। देखो, ड्राई सेल को हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं, वैसे इसको कार्बन जिंक सेल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, इसलिए टोटल वोल्टेज भी 1.5 वोल्ट ही होगी। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि चार ड्राई सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो फिर वोल्टेज बढ़ जाती और उस समय लगभग 6 वोल्ट होता, यानी फिर अपना आंसर हो जाता
ए 6 वोल्ट कर देते। ड्राई सेल में एनोड कैथोड का भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट का भी याद रखना, तीनों आते हैं ठीक है। एनोड कार्बन का, कैथोड जस्ते का, इलेक्ट्रोलाइट इसमें अमोनियम क्लोराइड का होता है, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो इसमें भी ध्रुवक का कार्य करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चार चार पिको फैराड के दो कैपेसिटर समांतर में संयोजित हैं, इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटर की कैपेसिटी जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है, क्योंकि समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कुल धारिता बढ़ती है, और टोटल कैपेसिटी का योग करने के लिए C1 प्लस C2 हम कर सकते हैं, यानी चार चार पिको फैराड के थे, 8 पिको फैराड होगा, पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है। अगर यही दोनों कैपेसिटर सीरीज में होते तो कैपेसिटी घटती है, और चार चार पिको फैराड के दोनों की मात्र 2 पिको फैराड रह जाती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एंड गेट में आउटपुट उच्च केवल तब होगा जब, देखो एंड गेट में दो वन वे स्विच सीरीज संयोजित होते हैं, यानी इस तरह से दो वन वे स्विच होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब आप सब देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ अपना कोई लैंप है, तो ये लैंप कब प्रकाशित होगा, जब दोनों स्विच ऑन हो, यानी दोनों में से मैं किसी एक स्विच को ऑन कर देता हूँ, किसी एक को ऑफ रखता हूँ, फिर दूसरे को ऑन कर देता हूँ, किसी एक को ऑफ रखता हूँ, तो किसी भी पोजीशन में लैंप प्रकाशित नहीं होगा। यानी अगर दोनों ओपन, यानी मान लीजिए कि लैंप ऑफ पोजीशन में हो, यानी इनपुट 0-0 हो, तब भी प्रकाशित नहीं होगा। दोनों में से कोई एक अगर अपन ऑन करें तब भी लैंप प्रकाशित नहीं होगा। लैंप प्रकाशित केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों स्विच ऑन किए जाएं, यानी दोनों पल्स उसको दी जाए। आउटपुट हमें तब उच्च मिलेगा जब सभी इनपुट हाई हो, दोनों इनपुट जो इसमें होते हैं अगर हाई होंगे तो ही हमें आउटपुट ये देगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन मापी यंत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट डीसी पर एक इंडक्शन मीटर और एक पीएमएमसी मीटर, पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग क्रमशः कितनी होगी। देखो सप्लाई 220 वोल्ट डीसी है, इंडक्शन वाला मीटर केवल एसी पर उपयोग किया जाता है, जबकि पीएमएमसी केवल डीसी पर उपयोग किया जाता है। सप्लाई का मान डीसी है इसलिए एसी वाला रीडिंग नहीं देगा, जबकि डीसी वाला पूरी रीडिंग देगा, यानी एसी वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग तो होगी 0, जबकि डीसी वाले वोल्ट मीटर में 220 वोल्ट। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। मान लो कि यहीं अपने अगर सप्लाई 220 वोल्ट डीसी की बजाय एसी होता तो फिर इंडक्शन वाले मीटर की रीडिंग तो 220 वोल्ट होती और पीएमएमसी की रीडिंग कितनी होती, 0, यानी उस समय अपना आंसर हो जाता सी, 220 वोल्ट और 0। अब देखिए कि रीडिंग ना हो और कुछ पूछा जाए तो 220 वोल्ट डीसी पर इंडक्शन मीटर जल जाएगा, पीएमएमसी मीटर कार्य करेगा। मान लीजिए इस तरह के ऑप्शन भी अगर आते हैं तो इंडक्शन मीटर तो जल जाएगा जबकि पीएमएमसी मीटर कार्य करेगा। अगर 220 वोल्ट एसी होता तो इंडक्शन मीटर कार्य करेगा जबकि पीएमएमसी मीटर की सुई मात्र वाइब्रेशन करेगी, यानी इसका पॉइंटर हंटिंग करेगा, दोलन करेगा, मीटर जलेगा नहीं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विद्युत वितरण की अधिक विश्वसनीय विधि कौन सी है। विद्युत वितरण की तीन प्रणालियां होती है, रेडियल, रिंग और इंटरकनेक्टेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वाधिक जो विश्वसनीय यानी रिलायबल जो मेथड होता है वो रिंग प्रणाली है, सर्वाधिक इसी का उपयोग करते हैं। वैसे विद्युत वितरण के लिए ध्यान रखें, रेजिडेंशियल एरिया अगर हो तो 3 फेज और 4 वायर दी जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि HVDC ट्रांसमिशन की वह लाइन जिसमें एक साथ अनेक लाइन होती है लेकिन सभी लाइन की रिटर्न वायर जो होती है वो ग्राउंड पथ ही कार्य करता है, यानी रिटर्न वायर के रूप में ग्राउंड कार्य करता है।
अनेक लाइनें इसमें होती है, लेकिन प्रत्येक लाइन में केवल एक ही वायर भेजा जाता है। जैसे ये तीन तार जा रही है तो ये तीन लाइन है डीसी की, इन सब का कॉमन जो रिटर्न होगा वो ग्राउंड तार ही इनमें रिटर्न का कार्य करता है। ठीक है, देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग डीसी ट्रांसमिशन तीन तरह से होता है, होमोपोलर, बाईपोलर और मोनोपोलर। देखो होमोपोलर वो होता है जिसमें अनेक लाइनें एक साथ हो और रिटर्न के रूप में ग्राउंड वायर का उपयोग किया जाए, जैसा कि अपना ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। बाईपोलर वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चालक तार ट्रांसमिट किए जाते हों, यानी ये अपनी कॉमन लाइन या नॉर्मल लाइन होती है जिस तरह से ट्रांसमिट अपन करते हैं। मोनोपोलर वह होता है जिसमें केवल एक तार आगे ट्रांसमिट किया जाता है, एक लाइन होती है, एक ही चालक उसमें भेजा जाता है और वो भी नेगेटिव, जबकि पॉजिटिव जो है वो इसमें ग्राउंड जो है उसको कार्य करवाया जाता है। क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ना, मोनोपोलर यानी मोनोपोली होती है इसमें कि इस लाइन में बीच में कहीं भी कोई चोरी वगैरह नहीं की जा सकती। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अपना इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। बाईपोलर में दो चालक तारें होती है, दोनों ट्रांसमिट की जाती है। मोनोपोलर में एक लाइन होती है, एक चालक ट्रांसमिट किया जाता है, वो भी नेगेटिव। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है इस मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा है।